तो आज सुन लो स्वागत है हमारे चैट टेक्सास में। तो धमाकेदार टेक न्यूज लेके आ चुके हैं हम, और हमारा मी 11 अल्ट्रा लॉन्च हो चुका है दुबई में। तो वहाँ पे हम उसके ऊपर न्यू वीडियो आने वाला है, जल्द से जल्द उसके सारे स्पेसिफिकेशन दिखाएंगे। और आप एक बार लुक देख सकते हो बैक कैमरे का, मतलब एक छोटी सी डिस्प्ले दी गई है, बहुत ही ज्यादा फ्लैगशिप लेवल दिख रहा है और बहुत ही ज्यादा धमाकेदार लुक दिख रहा है। और हमारी न्यू कूलर की वीडियो आ चुकी है, जाके देख सकते हो, बहुत ही ज्यादा साइलेंट है। और हमारी ट्रिमर की भी वीडियो आ चुकी है, जाके देख सकते हो, दोनों की अनबॉक्सिंग की हुई है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आई बटन पे भी आ रहा होगा, आप जाओ और देखो वो वाली वीडियो, और लाइक जरूर से करना, सब्सक्राइब हमारे चैनल को करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की भी वीडियो। पबजी मोबाइल न्यू स्टेट के तरफ से, तो पबजी मोबाइल न्यू स्टेट गया था प्री रजिस्ट्रेशन के लिए प्ले स्टोर पे। तो प्ले स्टोर पे वहां पे 10 मिलियन से भी ज्यादा प्री रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं पबजी मोबाइल न्यू स्टेट के लिए। मतलब जब पबजी मोबाइल न्यू स्टेट जब आएगा तो 12 मिलियन से 13 मिलियन लोग सीधा सीधा डाउनलोड होने वाले हैं पबजी मोबाइल न्यू स्टेट के। और पबजी मोबाइल इंडिया कब आने वाला है ये अभी कुछ भी पता नहीं है, तो देखते हैं। कोई भी न्यूज पबजी मोबाइल इंडिया की तरफ से आती है तो हम आपको सीधा बता देंगे। और पबजी मोबाइल न्यू स्टेट भी इंडिया में आने वाला है, क्योंकि वो चाइना से कुछ भी रिलेशन नहीं है। पिक्सल के तरफ से, तो गूगल पिक्सल के जो मोबाइल्स आते हैं वो बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होते हैं, उसके कैमरास भी बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। तो इंडिया में उन्होंने बहुत दिन हो गए कि कुछ लॉन्च नहीं किया है, और ऐसा खबर आ रही है कि जो गूगल पिक्सल 5a है वो 5G प्रोसेसर पे देखने को मिलने वाला है, मतलब 5G फोन होने वाला है गूगल पिक्सल 5a। तो ये देखना होगा 5a क्या आएगा इंडिया में या फिर नहीं आएगा, ये भी देखना है। तो देखते हैं, पहले बाहर लॉन्च हो जाने देंगे और बाद में क्या क्या स्पेसिफिकेशन आए हैं हम आपको बता देंगे, और इंडिया में लॉन्च होगा नहीं होगा ये भी हमारे नेक्स्ट न्यूज आ रही है हमारे मोटो के तरफ से। मोटोरोला का ये जो कंपनी है ना, बहुत ही ज्यादा पब्लिक में फोन्स लॉन्च कर रही है, मतलब बहुत ही ज्यादा मार्केट में फोन्स ला रहे हैं अब ये भी, मतलब बहुत ज्यादा तगड़ा कंपटीशन दे रहे हैं। और इन्होंने पीछे अभी थोड़े दिन पहले 2 फोन्स लॉन्च किए थे, तो अब नेक्स्ट 2 फोन का जो टीजर निकल के आ चुका है, सब कुछ कंफर्म हो चुका है। इस जी सीरीज में आपको 2 फोन नए देखने को मिलने वाले हैं, कौन से होंगे ये लॉन्च या फिर लॉन्च के थोड़े दिन पहले हम हमारे टेक्निक में बता देंगे। उसमें आपको एक फ्लैगशिप लेवल का स्मार्टफोन होने वाला है, जिसमें आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलने वाला है, सेल्फी आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलने वाली है, बैक में क्वाड कैमरा देखने को मिलने वाला है। बहुत ही ज्यादा फ्लैगशिप लेवल होगा कैमरा के मामले में और सारे प्रोसेसर के मामले में। तो देखते हैं कौन से प्रोसेसर के साथ आते हैं दोनों। आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलने वाला है इस साल के आईफोन में, और बाकी सब डिजाइन आपको बिल्कुल सेम देखने को मिलने वाले आईफोन 12 और 11 के जैसे में। आपको ऊपर फ्लैट होगा और 3 कैमरे फिर 4 कहते होंगे वो तो पता नहीं, मगर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट बताया जा रहा है होगा या नहीं होगा हम कंफर्म हमारे टेक्निक में बता देंगे। नेक्स्ट न्यूज आ रही है हमारे रियलमी के तरफ से। तो आपको तो पता है वीडियो रियलमी के बिना हो ही नहीं सकता, तो रियलमी 8 5G तो ये कंफर्म हो चुका है, ये थाईलैंड में लॉन्च होने वाला है April 21st को। तो ये थाईलैंड में लॉन्च होने वाला, मतलब कंफर्म है कि इंडिया में भी लॉन्च जल्द से जल्द हो जाएगा, और ये कंफर्म हो गया है कि 8 5G भी होने वाला है। और क्या क्या स्पेसिफिकेशन से होने का ये हम आपको हमारे टेक्निक में बताते रहेंगे, और इंडिया में कब तक लॉन्च होगा देखते हैं। बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर से करना, बेल आइकन दबाना आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन पाने के लिए। कमेंट करके बताना कौन सी टेक्निक अच्छी लगी, और जल्द से जल्द जाओ हमारे दूसरे वीडियो देखो, कूलर और ट्रिमर के वीडियोस भी आ चुके हैं अनबॉक्सिंग, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन में भी आपको देखने को मिलता है।